हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वसन आरस प्ले। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही डिलीशियस मोका चॉकलेट केक, जो कि मैंने अपने ही बर्थडे पर इसे बनाया था। एक एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी है विद सिंपल डेकोरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बोल में यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून अनसॉल्टेड बटर लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश कर्ड लिया है, 1/4 कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे, 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस ले लेंगे, 1 कप शुगर ले लेंगे, और इसको इस सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं केक के लिए, ये सारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अब हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी को 1/4 कप वाटर में मिला कर लिया है, इसे भी डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1/4 कप डालेंगे कोको पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा भी डालेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। इसे जेंटली फोल्ड करके मिक्स कर लेंगे जब तक कि बैटर स्मूथ एंड लंप फ्री ना हो जाए। केक टिन को अच्छे से ऑयल या बटर से ग्रीस कर लेंगे। मेरे पास एक ही साइज के 2 केक टिन नहीं है, इसलिए मैंने अलग अलग साइज के केक टिन लिया है। तो बैटर को इसमें पोर कर लेंगे। अगर आप इसे कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं तो इसे 30-40 मिनट्स तक लो टू मीडियम फ्लेम में बेक कर सकते हैं। अब हम इसे बेक करेंगे ओवन में 30-35 मिनट्स तक। तो केक हमारा बनके रेडी है। इसे हम 10 से 15 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद हम केक को टीन से बाहर निकाल देंगे। केक अभी भी बहुत गर्म है, इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए। एक को हम कवर करके रख लेंगे, नहीं तो केक ड्राई हो जाएंगे। अब हम केक के लिए एक मोका कॉफ़ी सिरप बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप वाटर लिया है और 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी लिया है और 1 टीस्पून कोको पाउडर लिया है, और इसमें मैंने 2 टीस्पून शुगर मिलाया है। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में पकाएंगे जब तक कि सॉस और जो सिरप है थोड़ा सा थिक ना हो जाए। सॉस और जो सिरप है थिक हो गया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम बनाते हैं बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। इसके लिए मैंने लिया है 220 ग्राम सॉफ्ट बटर लिया है। हमें ज़्यादा सॉफ्ट बटर नहीं चाहिए, तो इसलिए आप बटर को फ्रिज से निकाल कर 2-3 घंटे ही रूम टेम्परेचर पे रखें। अब हम इसे तब तक विस्क करेंगे जब तक ये लाइट फ्लफी ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। आप इसको हाथ से भी विस्क कर सकते हैं। अब हम इसमें 1.5 कप पाउडर शुगर मिला देंगे। पाउडर शुगर को हम छान के लेंगे ताकि जो बटर क्रीम है वो स्मूथ बने और इसमें लम्स ना हो। इसमें थोड़ा वेनिला एसेंस भी मिलाएंगे और इसे अच्छे से विस्क। अब इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून हैवी व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और इसको मिला देंगे अच्छे से। अब क्रीम के जगह आप मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा बटर क्रीम रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे थोड़े से बटर क्रीम लिया है और इसमें लाइट पिंक और डीप पिंक फूड कलर मिलाया है डेकोरेशन के लिए। केक अब ठंडे हो चुके हैं और इसको मैंने स्लाइसेस में 3 स्लाइसेस कर लिए हैं।
जो बड़ा वाला केक था उसको मैंने छोटे साइज में काट लिया है। अब हम केक को फ्रॉस्टिंग करेंगे। पहला स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर जो प्रिपेयर किया हुआ सिरप है, मोका सिरप, उसे डाल देंगे। उसके बाद हम फ्रॉस्टिंग डालेंगे। इसी प्रोसेस में हम एक के ऊपर एक केक स्लाइसेस रखते जाएंगे और सिरप और फ्रॉस्टिंग लगाते जाएंगे। केक के अपर पार्ट में मैंने लाइट पिंक कलर का फ्रॉस्टिंग किया है। यहाँ पे मैंने कुछ मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट लिए हैं जिसको मैंने हैवी व्हिपिंग क्रीम के साथ मेल्ट कर लिया है। इसको भी हम केक के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देंगे और साइड से ऐसे ड्रिप करते हुए इसे अप्लाई करेंगे। स्प्रिंकल भी डाल देंगे इसके ऊपर और जो डीप पिंक कलर का फ्रॉस्टिंग बनाया था इससे हम फ्लावर डिजाइन बना देंगे ऊपर। आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। मैंने थोड़े से स्ट्रॉबेरी काट के भी इसे सजाया है नीचे से। आप भी ऐसे घर पे जरूर बनाएं, अपनी पसंद के डिजाइन बनाएं। ये देखिए इसके अंदर भी कितना अच्छा लग रहा है। ये ऑलरेडी एक पीस मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैंने ये अपने बर्थडे पे बनाया था और मैं ऑलरेडी केक कट कर चुकी थी। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे वीडियो बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मॉइस्ट एंड फ्लफी स्पॉन्जी बना है। बहुत ही यमी डिलीशियस केक है। आप इसे घर पे ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।